बीते 23 अगस्त की देर रात बड़हलगंज के डेंडिया बंधे के निकट पेट्रोल पंप पर हुई एक युवक की हत्या के मामले में बड़हलगंज पुलिस ने 28 अगस्त की देर रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़हलगंज पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 60,000 नगद और 6 मोबाइल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में गौरी बाजार के अंकित वर्मा, देवरिया के रंजीत, मऊ के सुभाष कुमार और देवरिया के ही अमित कुमार शामिल हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ज्ञान प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़हलगंज की पुलिस ने डेंडिया बंधे के पास स्थित पेट्रोल पंप से एक स्कॉर्पियो में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 4 आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपियों ने हत्या की घटना में शामिल होने की बात को कबूल किया है। पकड़े गए सभी आरोपी शराब की तस्करी का काम करते हैं। इसी कारोबार में हेरा फेरी को लेकर बीते 24 अगस्त को राधेश्याम की हत्या की गई थी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा, ये क्या और तिलक कर लेते हैं? बड़हलगंज में बाहर आ रहा आपका चौकी तिराहे के पास पेट्रोल पंप पर एक राधेश्याम की हत्या रात में की गई थी। इस हत्या का खुलासा करते हुए हम लोगों ने जो हमारे इसमें हमारे इंस्पेक्टर बड़हलगंज, सीओ गोला और सीओ बांसगांव की बड़ी सक्रिय भूमिका थी, इसका खुलासा किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी की गई है तथा बरामदगियाँ भी की गई है। इसमें बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई को लेकर के आपसी वर्चस्व की लड़ाई प्रकाश में आई है, जिसमें विशेष रूप से जो हम लोगों ने गिरफ्तारी की है इसमें 2 लोग हैं। एक व्यक्ति जो नामित भी था, अंकित वर्मा और रंजीत, इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ में इनके एक दूसरे संबंधित लोग जो इसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर के उसके सुभाष कुमार और अमित कुमार की गिरफ्तारी की गई। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जिस पैसे से ट्रांजेक्शन करना था, जो लेन देन का पैसा था, वो पूरा का पूरा पैसा भी बरामद किया गया है। साथ में वो गाड़ी भी बरामद हो गई थी पहले भी नहीं, जिस गाड़ी से ये लोग गए थे तथा वो गाड़ी भी चिन्हित करके बरामद कर ली गई, जिससे वो लोग इस कार्य को करने के लिए अपराधी आए थे, एवं वह वाहन भी जिस पर लाद करके जो स्कॉर्पियो था जिस पर ट्रांजेक्शन होना था, वह वाहन भी बरामद हमारी टीम ने कर लिया है। और बाकी अन्य 2-3 लोगों का नाम उसमें प्रकाश में आया है। हमारी टीम उस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है, बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी तथा अन्य खुलासे अन्य बिंदुओं पर भी जो हमें जानकारी मिलेगी उस पर कार्रवाई। मुख्य वजह क्या थी? मैंने तुरंत बताया पहले ही आपको, ये शराब को ये सप्लाई करते हैं ये लोग बिहार में, उसके वर्चस्व की। सर क्या इन्होंने ये बता पाया कि ये गोरखपुर से शराब ले जाते थे या हिमाचल और चंडीगढ़ की शराबों को? ये पूछताछ चल रही है, ये कहाँ से लाते थे, कैसे लाते थे, सारी चीज़ें हमारे प्रकाश में आने लगी धीरे धीरे, और किन स्थानों से करते थे। अब बस हम लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये बाहर से ही ला रही थी और इस एरिया को छूते हुए बिहार की तरफ जा रही थी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी लाइट में ले ली है और उस पर हम बिंदुवार जो विवेचना कर जो व्यक्ति तभी तो मैंने बताया, लगभग 60,000 रुपये तो बरामद हुए हैं उसके ट्रांजेक्शन के वाहन के साथ, और बाकी जो उनकी जमा तलाशी जो मिला होगा दैट्स वो अलग। गोरखपुर में मारने के लिए लाए थे, उनका ऐसा विवाद हो गया कि मारा गया, मारते समय उन्होंने इस बात का पहचान नहीं की कि मुझे गोरखपुर में मारना है, देवरिया में मारना है, उन्हें टारगेट था मारना, वो गॉडशेक की वो गोरखपुर स्थान निकल गया। और गोरखपुर ठीक है, आगे पुलिस फास्ट है, हम लोगों ने बड़ी तेजी से काम किया और काफ़ी अच्छे ट्रैक कर दिया।